पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के बड़े अभियान के तहत इंदौर में रविवार को वॉकथॉन का आयोजन किया गया। यह आयोजन गेल इंडिया लिमिटेड और अवंतिका गैस लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। रविवार को इंदौर में 3 किलोमीटर लंबी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6:30 बजे श्री गुजराती समाज स्कूल से हुई, जो सत्यसाई चौराहे से होते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल तक पहुंची। इस आयोजन का मकसद देश के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना है। वॉक मैराथन में बड़ी संख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी देखने को मिली। मीडिया से बात करते हुए अवंतिका गैस लिमिटेड के एमडी हरीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को पेट्रोल चलित वाहनों का कम इस्तेमाल करने के प्रति जागरूक करना है। इस वॉकाथन का जो मुख्य उद्देश्य है आज का, लोगों में यह जागरूकता पैदा करना है कि वे पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण कैसे करें और इनका कम से कम उपयोग करें, जिससे कि ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कि एक लिमिटेड रिसोर्स है पूरी अर्थ में, यह लंबे समय तक चल सके और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका इस्तेमाल करने की सुविधा मिल सके। क्योंकि अगर हम आज ही सारा ख़त्म कर देंगे तो हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को, यह पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग करने को नहीं मिलेगा। तो हमें इसका मिनिमम यूज करना है। अब मिनिमम यूज करने के कई तरीके हैं, उसमें से ये है कि जो हम अपनी गाड़ियाँ जो आज हम इस्तेमाल करते हैं उसको प्रॉपरली मेंटेन रखें, पॉल्यूशन जिससे कम फैले, कंजम्पशन कम हो। इसके अलावा जैसे घरों में जो ईंधन जलाते हैं उसको कम से कम इस्तेमाल कैसे करें, बहुत सारे तरीके PCRA ने बताए हुए हैं और लोगों के बीच में उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे कि कम से कम ईंधन की खपत हो। दूसरा इसका उद्देश्य आज का वाकथन का है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो और वो जो छोटी दूरियाँ हैं उनमें पैदल चलें और पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग उसके लिए ना करें। देखिए, अवंतिका गैस लिमिटेड जो कि एक गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसकी ओर से ये वाकेथन लोगों को ईंधन बचाने और खुद को फिट रहने और पर्यावरण बचाने, इन तीन संदेशों के लिए आयोजित की गई। और देश के कई सारे शहरों के साथ इंदौर में भी ये आयोजन किया गया, जिसमें कि आपने देखा कि लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और ये इंदौर के लोग हर किसी एक्टिविटी में बड़े उत्साह से और इन सब कामों में बहुत आगे रहते हैं। लगातार इस तरह की एक्टिविटीज़ गेल के और AGL के द्वारा भी आयोजित की जाती हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका। जैसे कि आपको मालूम है इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है, तो फिट रहने में भी यहाँ लोग नंबर वन बने, इस दिशा में गेल ने ये प्रयास किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का ये वॉकाथन का कार्यक्रम गेल इंडिया लिमिटेड और अवंतिका गैस लिमिटेड की तरफ से आयोजित है और शहर को स्वस्थ रखने के लिए, ईंधन बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। मैं गैस इंडिया लिमिटेड अथॉरिटी और अवंतिका गैस लिमिटेड को सबसे बधाई देता हूं। शहर के नागरिकों से अपील भी करना चाहूंगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में बढ़कर अपना एक एक्टिव रोल प्ले करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, शहर को स्वस्थ बनाएं, स्वच्छ रखें और स्वस्थ बनाएं। थैंक यू। मैं
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी उपयोग करना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही एक वो साधन है जहां हम ना केवल अपने ईंधन की बचत कर सकते हैं बल्कि शहर में जो बढ़ता हुआ ट्रैफिक का दबाव है उसको भी कम कर सकते हैं। तो मेरी पुनः सभी नागरिकों से अपील रहेगी, अनुरोध रहेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हुए और अपने आप को स्वस्थ रखें, ईंधन बचाएं और शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक को भी बचाएं। कुल मिलाकर पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से यह एक स्वागत योग्य पहल है। उम्मीद है कि इससे लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।